सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेडमी के 30 प्रो के बारे में। रेडमी के 30 प्रो ही इंडिया में पोको फोन F2 के नाम से लॉन्च होगा, क्योंकि जो रेडमी का K30 था वो इंडिया के अंदर पोको X2 के नाम से आया, और जो रेडमी का K30 प्रो आएगा ये इंडिया में पोको फोन F2 के नाम से यहाँ पर आने वाला है। तो पोको रेडमी का ही आया, यानी कि सावमी का ही सब ब्रांड था जो कि 2018 में आया था। उसके बाद 2018 में उनका पहला स्मार्टफोन पोको फोन F1 काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन था। काफ़ी ज़्यादा लोग उस स्मार्टफोन के सक्सेसर के लिए वेट किए थे कि जो कि 2019 में आने वाला था, लेकिन 2019 में नहीं आया। 2019 पोको फोन के लिए पूरा खाली रहा, लेकिन 2020 के स्टार्टिंग में ही पोको ने अपना पहला स्मार्टफोन पोको फोन X2 यहाँ पर लॉन्च कर दिया। और पोको के जो चेयरमैन, उन्होंने बोला है कि 2020 में आपको पोको के मल्टीपल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, यानी कि एक के अलावा और स्मार्टफोन आपको पोको के अंदर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो रेडमी का K30 प्रो चाइना के अंदर 24 मार्च को लॉन्च होगा। उसके बाद ये स्मार्टफोन अप्रैल या फिर जून के मंथ में इंडिया में भी आ सकता है, और इंडिया में ये स्मार्टफोन पोको फोन F2 के नाम से आएगा, जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म हो ही चुका है। इस स्मार्टफोन का जो पूरा स्पेस है वो निकल के सामने आ चुका है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.67 इंचेस का एक फुल HD+ वाला डिस्प्ले, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, HDR10 को डिस्प्ले सपोर्ट करता है। तो रेडमी के K30 में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, वहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिला, लेकिन यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो कि थोड़ा डाउनग्रेड बोल सकते हैं। लेकिन 60Hz एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हो सकता है, और HDR10 को भी सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इस फोन में यूज़ किया गया है अभी तक का एंड्रॉयड का सबसे लेटेस्ट चिपसेट, जो कि है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और 5G को सपोर्ट करता ही है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, 64MP का आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसमें जो सेंसर होगा वो होगा सोनी का IMX686 वाला सेंसर, जो कि न्यूली लॉन्च सेंसर है, और आपको रेडमी के K30 में यही सेंसर देखने को मिलता भी है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, टेलीफोटो लेंस मिलेगा और मैक्रो लेंस मिलेगा। 20MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा, और यहाँ पर आपको पॉपअप डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि ना आपको वाटर ड्रॉप ना आपको पंच होल, रेडमी K20 प्रो की तरह यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 2020 में ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन पंच होल मेरे ख्याल से और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। लेकिन आपको 20MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि पॉपअप होकर ऊपर आएगा। लगभग काफ़ी अच्छा हमारा आपको बैटरी मिलेगा, 5000mAh की बैटरी मिल सकता है, और आप लोगों को 3300W का चार्जर इनबॉक्स मिलेगा। लेकिन चार्जर के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मे भी कुछ रिपोर्ट है कि इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 3300W का भी मिल सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर रेडमी कितना एमएच का हमें देता है। MIUI 11 मिलेगा और एंड्रॉयड का 10 यहाँ पर आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो OnePlus 7T और Huawei Mate 30 Pro की तरह आपको देखने को मिल रहा है। पता नहीं अब Xiaomi क्यों कॉपी किए जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले Redmi का Note 9 सीरीज आया था, और उसका जो डिज़ाइन था वो Huawei Mate 20 Pro की तरह देखने को लग रहा था। और ये स्मार्टफोन भी कहीं ना कहीं OnePlus 7T से इंस्पायर है, या फिर कॉपी है, जो आप लोग बोल सकते हैं। तो इस टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर लग रहा है, हालांकि इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, डेफिनेटली देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे इंस्पायर यहाँ पर लग रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक लग रहा है कि सबसे सस्ता 865 वाला ये स्मार्टफोन हो सकता है, तो डेफिनेटली कुछ कमाल तो यहाँ पर होगा ही। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।